कई वीडियो जिसमें मुंबई पुलिस 140 से शुरू होने वाले नंबर के बारे में अनाउंसमेंट कर रही है, सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो में पुलिस को मुंबई के अलग अलग इलाकों में एक ही तरह की चेतावनी देते हुए देखा जा सकता है। ख्याल रखना है अपने मोबाइल के ऊपर, अपने खुद के मोबाइल के ऊपर, जो शुरू में 140 नंबर का जो कॉल आता है, यानी कि शुरू में 140 नंबर यानी 3 नंबर 140 इस तरह का कॉल आता है, जो बिल्कुल ही कॉल नहीं उठाना, क्योंकि आपका पूरा बैंक बैलेंस खाली हो जाएगा, मोबाइल हैक हो जाएगा और बैंक बैलेंस भी हो जाएगा। इन वीडियो के साथ किए जा रहे दावे के अनुसार 140 से शुरू होने वाले नंबर का कॉल रिसीव करने से बैंक बैलेंस जीरो हो सकता है। तो क्या है इस मैसेज के पीछे की सच्चाई? वायरल हो रहा ये मैसेज सिर्फ एक अफवाह है और वीडियो में पुलिस लोगों को ऐसे अफवाह से बचने के लिए सचेत कर रही थी। महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने ट्वीट करते हुए ये जानकारी दी कि 140 से शुरू होने वाले नंबर टेलीमार्केटिंग कॉल होते हैं और ये दावा गलत है कि ऐसे नंबर से कॉल रिसीव करने पर बैंक बैलेंस खाली हो जाएगा। पुलिस ने स्पष्ट किया कि लोगों को पैसों का नुकसान तभी हो सकता है जब वो अपने बैंक अकाउंट से जुड़ी जानकारियां जैसे कि पिन नंबर या OTP किसी अनजान से शेयर करते हैं। ये संभव नहीं है कि सिर्फ फोन कॉल रिसीव करने से बैंक बैलेंस खाली हो जाएगा। इसके अलावा 140 नंबर से आने वाले कॉल से डर के पीछे एक और कहानी है। मुंबई में पिछले कुछ दिनों से 140 या 40 से शुरू होने वाले नंबर से कुछ लोगों को कॉल आए थे, जहां एक व्यक्ति बताता है कि उसके सामने हत्या हुई है और अब हत्यारा उसे भी मारना चाहता है। हालांकि ऐसे कॉल से लोगों में डर पैदा करना कुछ और नहीं, लेकिन एक चैनल सोनी लिव की नई सीरीज अनदेखी का प्रमोशन था। सोनी लिव ने इस पब्लिसिटी स्टंट के लिए माफी मांगते हुए ट्वीट किया। साथ ही मुंबई पुलिस ने भी ट्वीट करते हुए बताया कि प्रमोशन के लिए लोगों के बीच डर का माहौल पैदा करने वाले लोगों के खिलाफ आवश्यक सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस तरह मुंबई पुलिस द्वारा लोगों को 140 नंबर को लेकर फैल रहे फर्जी मैसेज से सचेत किए जाने वाले वीडियो सोशल मीडिया पर गलत संदर्भ से शेयर किए गए। धन्यवाद।